Hello guys, hope all of you are well. So guys, this video is about hyperbolas. Hyperbolas are what? Hyperbolas are one of the major sections of conic. तो अब देखो यार, अब हमें hyperbolas वाली वीडियो में what we'll look at again, we're going to look at similar things about from the perspective of hyperbolas, the things that we looked for ellipse. सही है, जो चीज़ हमने ellipse में पढ़ी थी, we're going to look at the same thing, similar things with respect to hyperbolas now. So guys, about hyperbolas, let me just write down its general equation first. So देखो, there are basically two types of hyperbolas. अभी वो मैं डिस्कस करता हूँ क्या होते हैं, लेकिन इसका जनरल इक्वेशन की पहले बात करते हैं. तो यार देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलास जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है आपकी, दैट इज़ बेसिकली एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन. ठीक है जी, सो दिस इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर हाइपरबोलास. ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन अगेन सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज एच कॉमा के. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइपरबोलास. अब देखो, दो तरह के हाइपरबोलास हो सकते हैं. ठीक है, एक हाइपरबोला होता है विच इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स टॉप एंड बॉटम, एंड द अदर वन इज ओपन्स टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बेसिकली दो तरह के हाइपरबोलास हो सकते हैं आपके. एक हाइपरबोला बेटा इस तरह से नज़र आता है, विच इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, एंड द अदर वन इज बेसिकली दिस वे, दैट इट ओपन्स टूवर्ड्स टॉप एंड बॉटम. ठीक है जी, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हाइपरबोलास. अब नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन दैट विच टाइप आर वी गोइंग टू फॉर्म. सही, तो ये वाली टाइप का नाम क्या है, ओपन टूवर्ड्स टॉप एंड बॉटम, सॉरी माय बैड, ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट एंड देन दिस वन ओपन टूवर्ड्स टॉप एंड बॉटम. ठीक है जी, अब देखो यार, what इज़ द थिंग दैट डिटरमाइंस दैट, ओके सो दिस इज़ हाउ माई हाइपरबोला इज सपोज टू लुक लाइक, तो what विल बी दैट थिंग. तो बेटा देखो, अब दो चीज़ें हैं ना, एक x है एंड द सेकेंड वन इज़ y. सो what वी लुक एट इज कि किसके साथ आपका पॉजिटिव साइन है, इज़ द पॉजिटिव साइन विद x और इज़ द पॉजिटिव साइन विद y, और दोनों के हमेशा साइंस डिफरेंट ही होंगे. तो जिसके साथ भी पॉजिटिव साइन है ना, दैट्स वॉट वी नीड टू फोकस ऑन. सो इफ एक्स हैज अ पॉजिटिव साइन, देन इट ओपन्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट. बट इफ वाई हैज अ पॉजिटिव साइन देन इट ओपन्स टूवर्ड्स अप एंड डाउन. ठीक है, तो इफ y हैज पॉजिटिव साइन देन अप एंड डाउन, बट इफ x हैज पॉजिटिव साइन देन इट ओपन्स टूवर्ड लेफ्ट एंड राइट. सही है जी, ऑल राइट. नाउ वी नीड टू फोकस ऑन टू मोर थिंग्स कि देखो बेटा, जो लेफ्ट एंड राइट वाले वर्टिसेस होते हैं उनके, जो लेफ्ट एंड राइट वाले हाइपरबोलास होते हैं उनके जो वर्टिसेस होते हैं, दे आर ओवर हियर. इफ़ द सेंटर इज़ ज़ीरो, ऑफ कोर्स इफ़ द सेंटर इज़ ज़ीरो, अगर सेंटर ज़ीरो नहीं होता तो, बट वो उनके टर्निंग पॉइंट्स पे ही होते हैं. तो अगर सेंटर अभी ज़ीरो है तो ये इनके वर्टिसेस हो जाएंगे. ठीक है जी, सो गाइज लेट्स लुक एट मोर डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो गाइज, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ गिवन टू मी, एंड नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज, अब मुझे इसकी चीज़ें, लेट्स फिगर आउट हाउ टू, व्हाट थिंग्स आर देयर इन विद हाइपरबोलास. तो यार देखो, सबसे पहले तो हमें इसका सेंटर फिगर आउट करना होगा. तो यार देखो, सेंटर फिगर आउट करने के लिए व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू बेसिकली कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म. कि देखो यार, इसका सेंटर बड़ा बेसिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है, सो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर हो सकता है, एंड देन दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ दैट मीन्स दैट 0, 0 इज़ माई वाई. ओके, सो नाउ
this is going to be my a square and this is going to be my b square. A square kya hota hai? A square is whatever is under the denominator of positive fraction is a square. ठीक है जी. And b square बेटा क्या होगा? B square is whatever is under the denominator of negative fraction is b square. ठीक है जी, ये वाली बात समझ आती है. तो देखो बेटा, अब आपका a square क्या हो गया? A square हो गया जो भी चीज़ आपके पॉजिटिव फ्रैक्शन के नीचे होगी वो आपका ए स्क्वायर होगा, और जो भी चीज़ आपके पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन के नीचे होगी तो वो आपका बी स्क्वायर होगा. अब देखो, ए स्क्वायर बेसिकली करता क्या है? ए इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड सेंटर. ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए. एंड B is the distance between imaginary vertices and center. ठीक है जी, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए. अभी imaginary vertices क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. ठीक है जी, तो यार देखो, मैंने ये फिगर आउट कर लिया. अब ये मेरा क्वेश्चन है, तो मेरा a square क्या आ गया बेटा? a square is now 9. A square is 9 and B square is my 4. Alright. And then I have also figured out that positive sign is with X. Positive sign is with X. So that means the hyperbola is going to open, is opening towards left and right. तो अब आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? अब what now what you are going to do is basically now you need to just plot it. ठीक है, a आपको क्या हो जाएगा? a आपका 3 हो जाएगा, b आपका 2 हो जाएगा. ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा इसको, बल्कि काम करते हैं, इसको यहीं पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स जस्ट मेक एन एक्सिस, लेट्स जस्ट ड्रॉ एन एक्सिस. अब देखो यार, इसके बेसिकली पहले जो है ना, एक काम और कर लेते हैं. पहले इसके बेसिकली एक्सिस प्लॉट करने से पहले इसके वर्टिसेस निकाल लेते हैं. वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? वर्टिसेस आर द टर्निंग पॉइंट ऑफ हाइपरबोलास. ठीक है, तो बेटा वर्टिसेस निकालने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, अब देखो जो हाइपरबोला के वर्टिसेस होते हैं, सिंस द सेंटर इज ओरिजिन, सही है, सेंटर इज ओरिजिन एंड it is an hyperbola that is going to open towards right and left. So dekho beta, iske jo vertices honge na, wo kya honge? That it is going to just travel distance of a plus a minus a comma 0. So that means plus minus 3 comma 0 and 3 comma 0 bhi likh sakte ho aur minus 3 comma 0 bhi likh sakte ho. So that means now 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Okay, so now what are we going to do is basically we just need to plot the vertices first of all. तो देखो बेटा, पहले real vertices plot करते हैं और then we will move on to plotting the imaginary vertices. तो if I talk about plotting the real vertices, so let's just say ke plus 3 or minus 3, so that means it is going to be here and it is going to be here and comma 0 hai. Theek hai, ab imaginary vertices ki agar baat karo to yaar imaginary vertices is case mein kya honge? When the center is 0 and it is traveling a unit, so imaginary vertices are going to be plus minus b. So that means ke imaginary vertices are going to be plus minus 2, so that means it is going to be here and it is going to be here. ठीक है जी, अब देखो बेटा, जब आपने वर्टिसेस सारे प्लॉट कर लिए ना, तो यू मेक एन इमेजिनरी रेक्टेंगल अराउंड योर वर्टिसेस. आई एल टेल द रीज़न लेटर फॉर प्लॉटिंग दिस. ठीक है,
और अब ना इन इस रेक्टेंगल के बीच में बेसिकली एक ना इमेजिनरी लाइन बना लो इस तरह की, ठीक है? इस तरह से आपने इमेजिनरी लाइन बना ली। ऑल राइट, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज बेसिकली नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू प्लॉट योर हाइपरबोला। देन नाउ यू नो दैट ऑलरेडी कि भाई ये राइट और लेफ्ट की तरह ओपन कर रहे हैं, तो इनके वर्टिसेस अगर ये हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट ओपन एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी माय सेकंड ओपन। तो यार देखो, जो मैंने आपसे बेसिकली ये जो लाइन बनवाई थी, इस लाइन को बनाने का पर्पस क्या था? देखो, अब ये जो लाइन होती है ना, देखो बेटा, दिस लाइन इज़ बेसिकली नोन एज योर वर्टिकल स्लांट आइसोटोट्स, ठीक है जी? तो स्लांट आइसोटोट्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग अप विद द सीएस मैथ का सिलेबस। तो देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये पूरी चीज़ कराई थी, ठीक है? अब ये स्लांट आइसोटोट्स बेसिकली आप कैसे डिफाइन करते हो जब आप अपनी इक्वेशंस बना रहे हो, तो इसकी इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि ये स्लांट लाइंस होती हैं, ठीक है? दीज आर स्लांट आइसोटोट्स बेसिकली, दिस इज़ वन एंड देन सेकेंड वाला भी, वो नीचे वाला सेकेंड होता है, सही है? तो दिस इज़ ऑल्सो स्लांट आइसोटोट, ठीक है? अब आप बेसिकली उसकी इक्वेशंस बनती हैं, क्योंकि स्लांट लाइंस होती हैं, प्लेन्स पे बनी हुई, तो उसकी इक्वेशंस बनानी होती हैं। तो अब देखो, इसकी इक्वेशंस मैं आपको अभी बनाना समझाता हूँ, पहले मुझे एक और चीज़ बतानी है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ फोकस। और उसका नाम क्या रखा था? हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ फोकस इज़ व्हाट? फोकाई, ठीक है? तो बेटा देखो, इसके केस में फोकाई क्या होता है? इसके केस में फोकाई निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सी। सो सी इन दिस केस ऑफ अर हाइपरबोला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी फोर स्क्वायर, दैट इज़ 9 + 14 एंड द आंसर इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट 13। अब देखो जहाँ पे कर्व बंद हो रहा होता है बेसिकली, आप उधर आपका फोकस पॉइंट होता है। तो नाउ इन दिस केस द पॉइंट ऑफ फोकस विल बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है जी? अब एंड देन इट विल बी समवेयर ओवर हियर, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इट विल बी समवेयर ओवर हियर, इट विल बी समवेयर ओवर हियर। सो अंडर रूट 4, अंडर रूट 13 इज़ व्हाट? अंडर रूट 13 इज समथिंग जो आपके पास वहाँ पे तो नहीं होगा, एग्जाम में तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट 13 विल बी व्हाट? अंडर रूट 13 विल बी 3.6, ठीक है जी? सो नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ बेसिकली, अगर मुझे पॉइंट ऑफ फोकस निकालने होते हैं ना, तो बेटा उसका जो जनरल पॉइंट होता है उसका, अब देखो इसमें पॉइंट ऑफ फोकस में वाई एक्सिस तो देखो मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, वाई एक्सिस तो मेरा वहीं जीरो पे खड़ा हुआ है, वाई एक्सिस तो मेरा जीरो पे खड़ा है, एक्स हो रहा है ना, जीरो से लेके यहाँ तक एक्स आ रहा है। तो देखो यहाँ से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट इट इज़ ए, बट फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट इट इज़ वॉट? इट इज़ सी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी वॉट? प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, दिस इज़ गोइंग टू बी पॉइंट ऑफ फोकस व्हेन द सेंटर इज ओरिजिन, ठीक है जी? बिकॉज फोकस क्या होता है? द लेंथ फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो थोड़ा सा नोटिस करते हैं, दो मिनट। इट इज़ गोइंग टू बी दिस लेंथ दैट आई हैव जस्ट मार्किंग दिस वन, ये बेसिकली जो मेरी लेंथ है ना ऑरेंज से जो मैंने मार्क किया, दिस इज सी बेटा, एंड ए आई हैव ऑलरेडी मार्क, ए इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ए इज बेसिकली फ्रॉम हियर टिल हियर, एंड देन सी इज फ्रॉम हियर टिल हियर और हियर टिल हियर, फ्रॉम द सेंटर टिल द पॉइंट ऑफ फोकस, ठीक है जी? ऑलराइट, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद फिगरिंग आउट द वर्टिकल एंड द इक्वेशंस फॉर स्लांट आइसोटोट्स, ठीक है जी? तो यार देखो, स्लांट आइसोटोट्स बेसिकली कौन सी लाइन है? स्लांट आइसोटोट्स आर दिस लाइन एंड दिस लाइन। यू कैन से दैट यार स्लांट आइसोटोट्स जो होते हैं वो एक अपवर्ड स्लोपिंग और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन्स होती हैं, और स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। तो बेसिकली इस केस में स्लांट आइसोटोट्स आर गोइंग टू बी लीनियर लाइन्स, ठीक है? अब लीनियर लाइन्स की जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं वो क्या होती हैं बेटा? दैट इज़ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है जी? यही पढ़ी है। अब बेटा एम क्या होता है? एम इज़ व्हाट? एम इज़ बेसिकली योर राइज ओवर रन, ठीक है ना? या फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो देखो बेटा, इफ़ यू फोकस ऑन योर लाइन, दिस स्लांट आइसोटोट का लाइन, सो इसमें बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करते हो ना अभी, तो आप देखोगे कि बेटा इट इज़ ट्रैवलिंग व्हाट? इट इज़ गोइंग फ्रॉम हियर एंड देन इट इज़ गोइंग फ्रॉम हियर, सो दैट मींस इट इज़, दिस इज़ राइज
एंड इन दिस केस दिस इज़ रन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के केस की बात कर रहा हूँ अभी मैं. राइज ओवर रन. क्या राइज हो रहा है? दिस इज़ राइज एंड दिस इज़ रन. ठीक है. सो रन इज़ फॉर हाउ मच? रन इज़ फॉर, कैन आई कॉल इट ए, एंड राइज इज़ फॉर बी. सो इट इज़ राइज ओवर रन. सो दैट मीन्स इन दिस केस इट इज़ गोइंग, द एम इज़ गोइंग टू बी बी अपॉन ए, राइज ओवर रन. एंड एक्स माइनस एक्स वन, अभी बताता हूँ उसको क्या करना है, एंड वाई माइनस वाई वन. ओके, तो अब देखो बेटा, राइज ओवर रन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है. ठीक है. एंड दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, सो द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. एंड देन अगर मैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. इसका बेटा अगर मुझे राइज ओवर रन निकालना है, सो दैट वुड मीन दैट इट इज़ बेसिकली वॉट, इट इज़ बेसिकली पासिंग फ्रॉम द, दिस इज़ द रन एंड दिस इज़ द राइज. बेसिकली इसमें तो फॉल आ रहा है ना, सो ये बेसिकली राइज ओवर रन होगा. थोड़ी सी परफेक्टली नहीं बनी हुई, तो ये रन हो गया इसका, ये राइज हो गया, तो माइनस राइज हो गया. सही है जी. सो नाउ इन दिस केस द ग्रेडियंट वुड बी समथिंग नेगेटिव. ठीक है. और बेटा y1 और x1 क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑन द लाइन होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस y1 एंड x1. सो नाउ इन दिस केस द पॉइंट्स ऑन द लाइन वुड बी व्हाट? इट वुड बी सेंटर, क्योंकि देखो दोनों लाइन सेंटर से ज़रूर पास कर रही हैं. तो बेसिकली द फाइनल इक्वेशन ऑफ द स्लांट आइसोटोट वुड बी y माइनस h, बिकॉज y माइनस k, बिकॉज k इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, एंड m इज प्लस माइनस b अपॉन a, एंड देन x माइनस h. सो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्लांट आइसोटोट. तो यार इसकी स्लांट आइसोटोट की अगर आप इक्वेशन लिखोगे ना, जाओगे ना, तो y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू बेटा रन राइज कितना, रन कितना हो रहा है? रन इज़ बेसिकली a. रन इज़ वॉट? रन इज़ a. तो डिनोमिनेटर में आपने a डाल दिया. a की क्या वैल्यू है? थ्री वैल्यू है a की. और न्यू और राइज कितना है? राइज टू का हो रहा है, तो टू अपॉन थ्री हो गया, और x माइनस जीरो हो गया. सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी y इक्वल्स टू प्लस माइनस टू अपॉन थ्री x. ठीक है. दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर स्लांट आइसोटोट्स ऑफ दीज पैराबोलास, हाइपरबोलास. ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द सेकंड एग्जांपल, व्हिच इज द क्वेश्चन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. तो देखो यार, अब इस क्वेश्चन में क्या सीन है? इस क्वेश्चन में बेसिकली इट्स गिवन दैट x प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन 16. तो देखो यार, पॉजिटिव x पॉजिटिव फ्रैक्शन के साथ क्या आ रहा है? पॉजिटिव फ्रैक्शन के साथ आ रहा है 25, और नेगेटिव फ्रैक्शन के साथ आ रहा है 16. तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ए स्क्वायर, एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी माई बी स्क्वायर. सही है जी. सेंटर अगर मुझे इसका फिगर आउट करना है, तो वो क्या होगा? सेंटर इज़ गोइंग टू बी माइनस वन, क्योंकि प्लस वन है, तो माइनस वन कॉमा टू. एंड देन इन दिस केस नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इज, तो ए स्क्वायर अगर मेरा 25 है, तो बेसिकली माई ए इज़ गोइंग टू बी 5. इफ़ माई बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16, सो नाउ माई बी इज़ गोइंग टू बी 4. ऑल राइट. अब नाउ दिस इज़ द केस ऑफ ओरिजिन नॉट बींग द सेंटर. नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इज, बेसिकली अब मुझे ये फिगर आउट करना है दैट हाउ एम आई लाइक वेयर वॉट वेयर ऑन विच साइड विल इट बी ओपन, विल इट बी राइट और लेफ्ट, और विल इट बी अप एंड डाउन. तो यार देखो, पॉजिटिव एक्स के साथ है, सो वेन एवर पॉजिटिव एक्स होता है, सो दैट मीन्स द पैराबोला हाइपरबोला इज राइट एंड लेफ्ट. ठीक है जी. तो राइट एंड लेफ्ट खुलता है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए यार कि इफ़ इट्स राइट एंड लेफ्ट, बेसिकली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. ऑल राइट. अब देखो यार, लेट्स स्टार्ट एंड ओके, सो लेट्स जस्ट फिगर आउट द वर्टिसेस. फिगर आउट करने से पहले ना, इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सीन ईजी हो जाए. तो देखो यार, इसका सेंटर बेटा होगा किधर? द सेंटर विल बी एट माइनस वन कॉमा टू. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, एंड दिस इज 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है जी. ऑल राइट. तो अब इसका सेंटर थोड़ा सा बेटा प्लॉट करते हैं. तो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन कॉमा टू. सो माइनस वन कॉमा टू विल बी दिस पॉइंट. एंड नाउ सिंस इट्स ओपनिंग अप टू लेफ्ट एंड राइट, तो देखो बेटा, मतलब इसका जो वर्टिसेस होगा, जो मेजर वर्टिसेस होगा, वो इस लाइन पर होगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू ओपन लाइक दिस, राइट? सो दैट मीन्स, अब आपको वर्टिसेस के लिए मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि भाई, अगर ओरिजिन वर्टिस ओरिजिन सेंटर ना हो, तो वर्टिसेस क्या होते हैं? तो वर्टिसेस आर ऑफ कोर्स द डिस्टेंस
ट्रैवल्ड द ए यूनिट्स ट्रैवल्ड. सो बेसिकली एच प्लस माइनस, क्योंकि आपके सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आता है टर्निंग पॉइंट से, तो एच प्लस माइनस ए कॉमा के, क्योंकि वो ए यूनिट्स का ही फ़र्क आता है. तो यार अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन प्लस माइनस फाइव कॉमा माइनस वन प्लस माइनस फाइव कॉमा टू, ओ सॉरी फोर. तो इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन माइनस माइनस सिक्स कॉमा फोर. एंड देन इन द केस ऑफ के माई टू, ठीक है जी. सो नाउ दिस इज़ द सेंटर. अब देखो माइनस सिक्स कॉमा टू एंड देन माइनस वन प्लस फोर इज माइनस वन प्लस फोर बिकम्स वो माइनस वन प्लस फाइव बिकम्स फोर कॉमा टू. सो बेसिकली इसके वर्टिसेस के पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, माइनस सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सो माइनस सिक्स हो गया एक ये वाला, और एक ये वाला हो गया फोर कॉमा टू. ठीक है, ये दो मेरे पॉइंट्स हो गए. अब इन दो पॉइंट्स पे क्या करो कि आपने इन दो पॉइंट्स पे इमेजिनरी लाइंस बना लो अभी, ठीक है, ताकि वो आइज एंड रोज फिगर आउट करने में आसानी हो जाए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वुड बी व्हाट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वुड बी, चाहे थोड़ा सा ना इसके एक्सेस को एक्सपेंड कर लेते हैं, बिकॉज अभी फोकाई वोकाई भी बनेगा तो लंबी होगी. ठीक है जी, सो देन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऑल राइट. नाउ वट वी आर गोइंग टू डू इज़, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इमेजिनरी वर्टिसेस. अब देखो बेटा इमेजिनरी वर्टिसेस कौन से थे इस केस में, अगर ये अप एंड राइट एंड लेफ्ट खुल रहा है तो इमेजिनरी वर्टिसेस बेसिकली आपके जो अप एंड डाउन के वर्टिसेस होते हैं, कि अगर ये अप एंड डाउन होता तो क्या होता, नहीं अप एंड डाउन होता, बेसिकली इमेजिनरी वर्टिसेस आर गोइंग टू बी लाइक वर्टिकल वर्टिसेस. दिस इज़ लाइक हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस, वो वर्टिकल वर्टिसेस होते हैं, उसके के में चेंज आता है. और के में कितना चेंज आता है, के में देखो एच इसका कॉमन होता है, के में भी प्लस माइनस बी का चेंज आता है. तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इस केस में एच क्या है मेरा, एच इज़ माइनस वन, सो माइनस वन ही रहेगा वो. एंड देन वाई इज़ वॉट, वाई इज़ माई के इज़ वॉट, के इज़ टू प्लस माइनस फोर. तो टू प्लस फोर इज़ सिक्स, टू प्लस फोर इज़ सिक्स, एंड टू माइनस फोर इज़ माइनस टू. तो माइनस वन माइनस टू. ठीक है जी, तो अब नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी, तो बेटा अगर आप देखो कि फोर यूनिट्स का ही फ़र्क आ रहा है, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन कॉमा सिक्स यहाँ पर हो जाएगा को पॉइंट, और माइनस वन कॉमा माइनस टू बेसिकली यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाएगा, इज दैट क्लियर. और अब बेटा इस पे भी ना आप इमेजिनरी एक्सिस बना दो इस तरह से. ठीक है जी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है जी, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ बेसिकली, अब आपको ये प्लॉट करना है बेटा. सो इट इज़ गोइंग टू ओपन राइट एंड लेफ्ट, तो इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, and this is going to look something like this. ठीक है जी, अब देखो बेटा, अब now what we need to do is basically, अब इसके साथ मुझे एक horizontal axis बनाने, तो वो slant asymptotes बनाने इसके. तो बेटा slant asymptote basically इस तरह की कोई line हो जाएगी, एक downward sloping, और बेटा इस तरह की भी एक upward sloping line slant asymptote हो जाएगी. ठीक है, अब बेटा मेरा बच्चा क्या, अब now I need to figure out what will be foci. तो फोकाए विल बी सम पॉइंट ओवर हेयर एंड सम पॉइंट ओवर हेयर. तो अब फोकाए के लिए काम करते हैं. तो बेटा देखो, व्हेन द सेंटर इज़ नॉट द ओरिजिन, व्हेन द सेंटर इज़ नॉट द ओरिजिन, सो फोकाए इज़ व्हाट. अब देखो यहीं पे करते हैं फोकाए. बेसिकली पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो जो हाइपरबोलाज होते हैं उसका फोकाए का जो सी होता है वो कैसे निकलता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दैट मीन्स इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट 41. अब देखो फोकाए को अगर आप नोटिस करो तो फोकाए के भी वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ x में चेंज आ रहा है. ठीक है, सो बेसिकली द फाइनल आंसर ऑफ फोकाई का कोऑर्डिनेट इज व्हाट, h प्लस माइनस c कॉमा k. सो इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 41 कॉमा टू. दैट्स ऑल, ये मेरा फोकाई के कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है जी, तो यार मैं आपको एक बार बताना भूल गया, इन दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, कि देखो जिस लाइन पे मेरे बेटा ये वाले वर्टिसेस लाए करते हैं ना, इस लाइन पे लाए करें ना वर्टिसेस फॉर दिस हाइपरबोला, बेसिकली नॉट इमेजिनरी बट रियल वर्टिसेस. तो बेटा दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस. तो व्हेन द कर्व इज ओपनिंग टू, व्हेन द लाइक द कर्व इज ओपनिंग टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है जी, ट्रांसवर्स एक्सिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. यार अब देखो यार ये एग्जांपल जो है ना,
आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट ऑन योर ओन. अगर नहीं होता तो मैं इसका सोल्यूशन तो अभी आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है? तो पॉज द वीडियो एंड डू इट, एंड देन वंस यू आर डन जस्ट रिज्यूम फॉर द आंसर्स. सो गाइज नाउ इन दिस केस वॉट वी नीड टू लुक एट इट केयर कि इसका जो वाई है ना बेटा, इन दिस क्वेश्चन वॉट इज़ हैपनिंग इज कि बेसिकली इसका जो वाई है इसके साथ ही पॉजिटिव है और एक्स के साथ नेगेटिव है. सो वॉट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट कर्व विल ओपन टूवर्ड्स, लाइक इट विल ओपन अप एंड डाउन. मतलब ये ऊपर, मतलब इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, लाइक इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. बेसिकली ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है? द सेकेंड थिंग इज दैट ए स्क्वायर इज़ वॉट, वॉट एवर, मतलब पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन के साथ जो लिखा होता है वो ए स्क्वायर होता है. सो इन दिस केस द ए स्क्वायर विल बी वॉट, ए स्क्वायर विल बी माई 4 एंड ए विल बी माई 2. बी स्क्वायर विल बी वॉट, बी स्क्वायर इज बेसिकली माई 9, तो बेसिकली माई बी स्क्वायर इज 9, सो बी इज़ गोइंग टू बी 3, ठीक है जी? नाउ द सेकेंड, द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू लुक एट इज़ द सेंटर. अब देखो बेटा, इसका सेंटर आप ये नहीं समझना कि -2 और 3 होगा, नहीं, एक्स के साथ जो लिखा है वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना. सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी -3, 2, ठीक है? अब ये मेरा सेंटर हो गया, एंड आई नो दैट कि अभी सिंस इट्स गोइंग टू ओपन लाइक टूवर्ड्स अप एंड डाउन, तो इसका बेटा सेंटर क्या होगा, वर्टिसेस क्या होंगे? तो देखो बेटा, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एक काम करते हैं, इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ ना, थोड़ा एक्सेस बना के इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, okay, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी? सो नाउ इफ़ यू जस्ट प्लॉट इट, इट इज़ गोइंग टू बी -3, 2, सो इसका सेंटर बेटा यहाँ होगा. अब देखो बेटा, इसका वर्टिसेस जो होंगे वो क्या होंगे, ऊपर, मतलब द वर्टिसेस में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किस में चेंज आ रहा होगा, वाई एक्सिस में चेंज नहीं, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, वाई एक्सिस में चेंज आ रहा होगा कि ऊपर और नीचे वर्टिसेस बनेंगे, मेजर वर्टिसेस जो होते हैं. तो दैट मीन्स इसका एच तो एच ही रहेगा, बट अब के में प्लस माइनस ए हो रहा होगा, ए होगा, बी नहीं होगा. बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो सेंटर और जो वर्टिसेस का जो लेंथ है ना, वो मैंने आपको बता दिया, ए था हमेशा से, बी नहीं था, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो अप एंड डाउन ओपन हो या राइट और लेफ्ट ओपन हो. तो अब इसके वर्टिसेस पहले निकाल लेते हैं. सो वर्टिसेस के कैसे आएंगे, -3, 2, +-2, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी -3, 2, +2 इज़ 4 एंड -3, 0, ठीक है? सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर ओवर हेयर एंड समवेयर ओवर हेयर. तो देखो यार, इसके लिए पहले इमेजिनरी लाइन्स बना लेते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह से इमेजिनरी लाइन्स बना लो, एंड देन ओके, सो आई हैव प्लॉटेड इट रॉन्ग आई गेस, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ बेटा. सो इट इज़ गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ठीक है? सो माई इमेजिनरी लाइन्स वुड लुक लाइक दिस, एंड इस पर तो बनी हुई है. अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया? ट्रांसवर्स एक्सिस बेटा हो गया आपका, इन दिस केस ट्रांसवर्स एक्सिस वुड बी योर वाई एक्सिस, ठीक है? वाई एक्सिस बेसिकली आपका ट्रांसफर एक्सिस हो गया, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल ट्रांसफर्स एक्सिस हो गया, ठीक है? तो अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना होता है, सो दिस इज हाउ योर ट्रांसफर्स एक्सिस विल बी, जो बेसिकली सही है, प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए बता दिया कि भाई ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा इस केस में, जब अप एंड डाउन होगा और जब राइट और लेफ्ट होगा तो एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा बेसिकली. सो नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट इट यार. अब देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करने जाता हूँ, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड देन दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. अच्छा, इसके माइनर एक्सिस में प्लॉट करना भूल गया, तो वो सॉरी इमेजिनरी वर्टिसेस. तो देखो, इसके इमेजिनरी वर्टिसेस क्या होंगे, इसके इमेजिनरी वर्टिसेस में सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा होगा, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा. सो इट विल बिकम वॉट, इट विल बिकम एच प्लस माइनस बी कॉमा के. तो एच में बेटा कितना चेंज आएगा, -3, +-3, 2, ठीक है जी, कॉमा 2. सो दैट मीन्स इट इज़ बी -3, +3, 0, 2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा -6, 2. सो दैट मीन्स इट विल बी समवेयर ओवर हेयर. तो 0, 2 तो ये हो जाएगा,
और -6.2 ये हो जाएगा. एंड देन लेट्स जस्ट ड्रॉ द इमेजिनरी लाइंस ताकि मेरे हॉरिजॉन्टल आइजमटोच आ सकें, स्लांट आइजमटोच आ सकें. अच्छा जी, सो इसके देखो स्लांट आइजमटोच बेसिकली ऐसे नज़र आएंगे और इसके स्लांट आइजमटोच बेसिकली ऐसे नज़र आएंगे. ठीक है जी गाइज, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट फिगरिंग आउट द इक्वेशंस फॉर, ओके पहले लेट्स जस्ट फोकस ऑन फोकाई कि भाई इसकी फोकाई किधर होगा, इसका फोका इधर होगा, इसका फोका इधर होगा. अब देखो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है. बट बेटा अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ना तो दैट इज़ सी. यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो ये सी है. ठीक है, तब फोकाई कैसे आएगा इसका? देखो फोकाई के लिए यू नीड टू फिगर आउट सी पॉइंट फर्स्ट. तो सी क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बेटा सी स्क्वायर कितना होगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बेसिकली 25 हो जाएगा. सो नाउ 25 सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. अब देखो चेंज इन एक्स आ रहा है ना सिर्फ, तो सेंटर से कितना चेंज इन वाई आ रहा है, तो कितना होगा बेटा सेंटर से? इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस के एच में चेंज आ रहा है तो एच कॉमा सी प्लस के प्लस माइनस सी. तो के प्लस माइनस सी. सो नाउ इट इज़ गोइंग टू लुक, तो एच क्या है? -3, सी कितना है? 2 + 5 = 7 एंड 2 - 5 = -3. सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर ओवर हेयर जो मैंने प्लॉट किया. ठीक है जी, तो मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है जी, नाउ वील फिगर आउट द इक्वेशन फॉर आइजमटोच यार. अब देखो आइजमटोच की इक्वेशन बनाने के लिए वेट. ऑलराइट, अब देखो यार हॉरिजॉन्टल आइजमटोच की बेसिकली इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लांट आइजमटोच. बेटा देखो इस क्वेश्चन के लिए स्लांट आइजमटोच कितने हैं? 2 स्लांट आइजमटोच हैं. बेसिकली इट्स दिस लाइन, इट्स बेसिकली इट्स अपवर्ड स्लोपिंग दिस लाइन एंड दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. तो देखो यार इसकी इक्वेशन बेसिकली बनेगी तो वही सिंपल तरीके से कि y - y1 = क्योंकि स्लेट लाइंस हैं, x - x1. तो देखो बेटा इसके m को फिगर आउट करते हैं. तो देखो इफ़ यू क्लोजली लुक एट दिस क्वेश्चन, सो इसका m क्या होगा बेटा इस लाइन का? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. इट इज़ गोइंग टू बी वॉट? इट इज़ गोइंग टू बी राइज ओवर रन. ठीक है, तो राइज क्या है बेटा इसका? राइज इसका a है और रन इसका b है. सो गाइज नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ बेसिकली, अब मुझे पता चल गया कि राइज क्या है इसका? a है. सो राइज इज़ गोइंग टू बी y - y1 = राइज कितना है इसका? a. सो a अपॉन b इंटू x - x1. अब ये पास किससे कर रहा है? पास अगेन ये सेंटर से कर रहा है. सो y - h = a अपॉन b इंटू x - k. ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, h तो बेसिकली ये होता है ना और k ये वाला होता है. सो h k एंड h. ठीक है जी, अब देखो यही लाइन इसका यही ग्रेडियंट बेटा दूसरे वाले का भी होगा, क्योंकि दूसरे वाले को अगर आप देखो तो दूसरे वाले का अगर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले को अगर आप देखो तो इसमें भी देखो बेटा सेम चीज़ हो रही है कि रन इतना हो रहा है, राइज इतना हो रहा है. राइज नेगेटिव a का हो रहा है, इसमें पॉजिटिव a का हो रहा है, इसमें नेगेटिव का हो रहा है. दैट मीन्स प्लस माइनस. अब इनकी इक्वेशन बनाते हैं तो बेटा k का क्या कोऑर्डिनेट है? k का कोऑर्डिनेट 2. तो y - 2 इंटू, अब कितना a कितना है? a इज़ 2. तो +-2/3 इंटू x - x+3. सो दैट मीन्स अब 3y - 6 = 2x + 6. सो 3y = 2x + 12. देन इट इज़ गोइंग टू बी 3y - 6 = -2 इंटू x + 3. देन इट इज़ गोइंग टू बी 3y - 6 - 2x + 6 -6. देन इट इज़ गोइंग टू बी 3y = -2x. ठीक है जी, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम. अच्छा जी, सो गाइज लेट्स जस्ट कीप इट टिल हियर फॉर हाइपरबोलास एंड देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बस आप लोग जो है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो मैंने पढ़ाए हैं, यू गाइज नीड टू फोकस ऑन देम एंड That will be I think enough for the exams from, because जो भी मैंने चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं that can be tested in the form of MCQs. तो आपको अगर ये यहाँ पर समझ आ गया तो आप वो equation देख के फ़ौरन समझ जाओगे. ठीक है जी, so guys that's it for today. See you guys in the next video. Until then take care. Bye bye.